डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, क्या ये आर्थिक न्याय देने का प्रश्न है या सामाजिक न्याय का प्रश्न है? ये जो बात की जा रही है कि आर्थिक न्याय देंगे, स्वर तो दे दिया, चलिए आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे दो प्रश्न हैं, एक प्रोफेसर होने के नाते इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जाति के जितनी जाति की हिस्सेदारी है उसके हिसाब से सरकारी नौकरियों में कैसे उनकी आवाज बुलंद होगी, कैसे वहां मौजूद होंगे। अभी राहुल गांधी ने कहा कि 90 सेक्रेटरी है, 3 ही ओबीसी है। तो जब मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होने के बाद ये स्थिति है तो कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आज, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जी मुझे लगता है कि इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो राजनीति का है, जिस पर मैं बाद में आता हूं कि इसने भारत की राजनीति को कैसे बदला है। पहले इस पूरे डेटा एनालिसिस का वो हिस्सा जो आपके सवाल में है कि ये लागू कैसे होगा। मेरा मानना ये है कि अब तक इस देश में चाहे वो काका कलेलकर कमीशन बना हो, चाहे वो मंडल कमीशन बना हो, 1931 की जाति जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से पॉलिसी मेकिंग हो रही थी। यानी राष्ट्र चलने के लिए सबसे पहले ये सोचना था कि कौन पिछड़ गया है इस राष्ट्र के चलने में, उसको आगे ले आने के लिए आपको पॉलिसी मेकिंग करनी थी। तो आपको टोटल स्ट्रेंथ पता चल रही थी कि अच्छा इतने परसेंट की आबादी इनकी पिछड़ों की है, इतने आंकड़ों की है, इतने पसंदा है, इतने शेड्यूल ट्राइब। अब इससे कैसे रिप्रेजेंटेशन देगा? नंबर एक बात कि अगर जब तक इस देश में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं लागू था तब तक ये तो तय हो गया कि इस देश में जितने भी ओबीसी के लोग हैं वो सारे लोग बिना रिजर्वेशन के आपके मुख्य धारा में नहीं है, ये तो तय हो गया। क्योंकि अगर जैसे महिला आरक्षण विधेयक है, महिला आरक्षण विधेयक लाने का मकसद ये है कि अगर आप आरक्षण नहीं देंगे तो महिलाएं उतनी तादाद में नहीं आएंगी जितनी आ रही हैं। इससे ये जुड़ता है कि आप अगर ये 52% आबादी है तो ये अभी तक आरक्षण के बिना वहां तक नहीं पहुंची। मंडल कमीशन लागू हुआ, लड़के लेना पड़ा, उसके बाद आप देखेंगे जहां जहां पर रिटर्न एग्जाम है, जहां पर उनको एग्जाम देने के साथ उनका रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ, उन सारी जगहों पर उनका उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। मिसाल के तौर पर ब्यूरोक्रेसी में, मिसाल के तौर पर एकेडमिया में, जहां जहां ये रिजर्वेशन आया वहां पे इंप्लीमेंट हुआ। अब दूसरी बात, जहां भी इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन कमेटी होती है, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू 100% वेटेज का होता है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं, इसलिए 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2019 तक 0 प्रोफेसर ओबीसी के थे। तीन अगर राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि 3 सेक्रेटरी हैं, तो इसका मतलब अभी तो हम ये पूछ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, नाई है, मोची है, मल्लाह है, निषाद है। अभी तो डिबेट हमें वहां ले जानी है। अभी ओवरऑल एक क्लास बना है अदर बैकवर्ड क्लास, उसका पॉपुलेशन 52% था जो अब 63 हो गया, उसकी पॉपुलेशन 3%, हायर एजुकेशन में उसकी पॉपुलेशन 4%। अब आपके सवाल पर आते हैं कि इंप्लीमेंट कैसे होगा। पहले ये माने तो सही कि बीमारी है, इसका मतलब ये कि इंप्लीमेंट करने में बाधा कास्ट आ रही थी, तो स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा। स्पेशल प्रोविजन में राष्ट्रपति बनाना, प्रधानमंत्री की जाति बताना, कैबिनेट मंत्री की जाति बताना नहीं है, वो ये है कि जितना हिस्सेदारी आबादी में है अगर उतनी जगहें आरक्षित होंगी तो वो जैसे जितनी आबादी जितनी है तब तक वो रिप्रेजेंटेशन जाएगा। अब बिहार ने एक और ये तरीका निकाला है, पिछड़े और अति पिछड़े में डिवाइड कर दिया है। मतलब बिहार सरकार को तो आज धन्यवाद देने का दिन है कि तमाम सांप्रदायिक, अभी मैं आ रहा हूँ कि कैसे सांप्रदायिकता की राजनीति को कैसे इसने ध्वस्त किया है, लेकिन आज जो उन्होंने अति पिछड़ा और पिछड़ा का आंकड़ा बांटा है, इस देश में अब 52% आबादी को रिजर्वेशन 52% देने की बात हो रही है, जिस दिन इंप्लीमेंट होगा। आज तो जी कैसे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, इसका मतलब समझिए, बैकलॉग वैकेंसीज, मेरे यूनिवर्सिटी में 200 लोग पढ़ा रहे हैं, 200 लोग में जब रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होगा हर चौथी पोस्ट ओबीसी को जाएगी, पता चला 150 लोग तो पहले से पढ़ा रहे हैं, तो जितनी जगह पे चौथी पोस्ट पर ओबीसी गया उस पर तो पहले से कोई अपरकास्ट पढ़ा रहा है, तो रिजर्वेशन का क्लॉज कहता है कि वो पोस्ट शॉर्ट फॉर्म में जाएगी, बैकलॉग में जाएगी, और जब नई वैकेंसी बनेगी तो पहले इनको फुलफिल करना होगा। इस देश में शॉर्ट फॉल और बैकलॉग इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, इसलिए आज तक 4% से ज्यादा हायर एजुकेशन में प्रोफेसर ओबीसी का नहीं है, तो इंप्लीमेंटेशन की पॉलिसी ही गड़बड़ है। यानी इस देश ने कबूल ही नहीं किया कि वो कास्ट बेस्ड बायस्ड है, इसीलिए वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब कम से कम डिबेट यहाँ हुई है
कि अगर इनकी आबादी इतनी है तो जरा अपनी कसौटियों को देखें। इंटरव्यू जहां होता है, मेरी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर 100 पोस्ट में एडवर्टीजमेंट चल रहा है, 50 पोस्ट अनरिजर्व है, तो उस अनरिजर्व पर रेयर एंड रेयरेस्ट 1000 में कोई एक प्रोफेसर एससी एसटी ओबीसी का जाएगा। 50% सीट पर वो अपर कास्ट के लोग अपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि वहां रिटर्न एग्जाम नहीं है, वहां कोई यू आर मिसलिनियस कम्युनिटी नहीं होती। इसलिए इम्प्लीमेंट कर तरीके ये होंगे कि पहले आप कबूल करेंगे कि आपने जाति के नाम पर भेदभाव किया, तब आप इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी चेंज करेंगे। अब एक डॉक्टर लक्ष्मण, सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे मालूम कि आप इस वक्त एयरपोर्ट पे हैं और मैंने आपको जबरदस्ती वहां पे बैठा रखा है, तो मैं आपको बहुत जल्दी छोड़ने वाला हूँ। लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न है, जो मैंने फैजल साहब से भी पूछा था, वही सवाल आपसे भी है कि सबको पता था कि पिछड़ों की आबादी इतनी प्रतिशत है, सबको मालूम था। काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट ने भी एक रिपोर्ट दी थी, मंडल कमीशन रिपोर्ट ने भी एक परसेंटेज बताया था 1931 की रिपोर्ट, लेकिन उसके बावजूद भी इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ था इसी सिस्टम के अंदर। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में थी, और जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो लालू यादव भी उसमें थे, नीतीश कुमार भी उसमें थे। पिछले 30 साल से लालू यादव नीतीश कुमार, ओबीसी पॉलिटिक्स जिंदा है। यूपी के अंदर भी वही स्थिति थी पिछले 20-25 सालों से, तो ना यूपी में इंप्लीमेंट हुआ, ना बिहार में इंप्लीमेंट हुआ, ना देश में इंप्लीमेंट हुआ, तो सिस्टम वही है, तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको? 63% डाटा लेके आ जाइए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब इसके इसके थोड़े 2-3 आंसर अलग अलग है। सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जहां जहां पर इन स्टेट में इनके हाथ में नियुक्तियां थीं, आप चाहे यूपी देख लें या बिहार देख लें, सिपाही की भर्ती विवादित कर दिया कि सारे यादव भर गए, लेकिन जो नियुक्ति सरकार के स्तर पर थी, अगर एंट्री पॉइंट अगर फेयर एंड फाइन था, आज इन जगहों पर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग आपको अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक मिलेंगे। जहां पर एक नेक्सस ना हुआ था अपर कास्ट हेजमन का, वो इस नेक्सस के चलते वहां एंट्री नहीं होने देता है। क्यों कह रहे हैं कि जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पर कोई नहीं पहुंचा है? क्योंकि प्रमोशन की पॉलिसी ऐसी है कि वो कास्ट बेस्ड बायसनेस करती है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पॉलिसी है, वो किसी लालू यादव मुलायम नीतीश के हाथ में नहीं है, वो एक सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो वहां पर। मैं अभी दरभंगा से आया, पटना आया, पटना से दिल्ली पहुंचा हूं, मुझे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मिलने वाले बच्चे आए, उन्होंने क्या बताया कि जितनी जगह पर इंटरव्यू होता है हमारे लोगों की जाति देखकर नंबर कम किया जाता है। इसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर चलती है। मेरा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मंडल लागू हुआ तो पहली बार इस देश में ओबीसी कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट किए इस पॉलिसी इस देश के चलाने में। जहां इंप्लीमेंट नहीं हो पाया वहीं इनका रिप्रेजेंटेशन कम है। अब आपका सवाल ये कि ये लागू कैसे होगा? हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में कई बार नैरेटिव बनता है तो उससे रास्ते खुलते हैं। अभी तक नैरेटिव केवल पॉलिटिकल बना हुआ था कि हमारी इतनी आबादी है, इतना वोट मिलेगा तो हम पावर में आएंगे। अब ये नैरेटिव नीचे तक जाएगा आशुतोष जी, जो ये पूछेगा कि अगर 2.5% कुर्मी है, 4.5% वहां पर जो है अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, 36-65 अदर बैकवर्ड कम्युनिटी है पूरी टोटल, तो वो एक बार पूछेगी ना कि भाई हम इस देश को चलाने में कहां है। तो इस नैरेटिव बिल्डिंग से प्रोसेस चेंज होगा, जो प्रोसेस हाईली अपर कास्ट डोमिनेंसी से ऐसा नेक्सस बना हुआ था कि वहां एंट्री नहीं थी और उसे कोई लालू मुलायम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एंट्री ही नहीं बना, वो नेक्सस वहां बना हुआ। और आखिरी एक पॉइंट मुझे कहना जरूरी था कि ये जो चीजें हैं वो हिस्सेदारी के सवाल तक जाएंगी, सबको पता था, इसीलिए बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। जाति जनगणना कराने पर सबका साथ सबका विकास का नारा कैसे खोखला है ये सामने आ गया। अगर आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो पहले पता करिए कि सब मतलब कौन, कहां पर उनका विकास नहीं हुआ है, कहां उनका विकास होगा। ये जाति जनगणना इसको आंकड़े देगी और इससे धर्म की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि जाति की राजनीति हिंदुत्व के गुब्बारे को फोड़ेगी। और दूसरा, हिस्सेदारी का सवाल राष्ट्र निर्माण से जुड़ेगा तो पॉलिसी मेकिंग एज ए नेशन हम बेहतर कर पाएंगे, तो अंतिम व्यक्ति की हिस्सेदारी राष्ट्र निर्माण में बढ़ेगी, तो ओवरऑल ये नेशन बिल्डिंग प्रोसेस मजबूत होगा। इसलिए मैं इस पूरी डिबेट को नरेशन बिल्डिंग के लिहाज से बहुत चेंजिंग पॉइंट मानता हूं। और आखिरी में, 10% आबादी को आप 90% हर जगह पाए हुए हैं। अब ये सवाल पिछड़ों से पूछने का वक्त नहीं है कि 10% लोग 90% पर कैसे थे, क्योंकि वो हजारों साल से थे। अभी तो इन हमारी तबके के लोगों को ये समझाना जरूरी है कि भाई पढ़ाई करो, अभी मंदिर बचाना आपका काम नहीं है। तो वो जो 90% काबिज है वो नेक्सस के चलते वहां पर हिस्सेदारी नहीं थी। अगर ये नैरेटिव ग्राउंड तक जाएगा तो मुझे लगता है कि वो चेतना पैदा करेगा और फिर हिस्सेदारी के सवाल तक ये मुखर होगा। जी शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।